हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें 10 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी निकली है। एक्चुअली इसमें टोटल 6 जो है प्रोजेक्ट्स आए हैं और 6 प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी निकली है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या अदर जो भी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वैकेंसी रिलीज किया गया है फ्रेंड्स, ICAR के अंतर्गत एक जो है इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है IIMR, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। तो मिलेट्स जो बाजरा होता है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो वेरी सिंपल है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं राइट, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होंगे, आप जाइए। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज इसमें वेरी सिंपल लाइक सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका जो है जूम कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग पे जो है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देयर इज नो एनी एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, अच्छी खासी सैलरी है राइट फ्रेंड्स। तो अभी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड रेस्ट ऑफ अदर्स थिंग्स राइट। तो एक्चुअली इसमें क्या है, आपको फॉर्म फिल नहीं करना है ऑनलाइन। आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं Annexure 1 एंड Annexure 2, ये दो जो है फॉर्म दिया गया है। ये बायोडाटा जैसा आप बनाते हैं उसी तरह का है, आपको ये अपना बायोडाटा फिल करना है एंड उसके साथ जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर एजुकेशनल लाइक डिग्री हो, कुछ भी हो, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट को मिला के एक PDF, ये आप ध्यान रखिएगा, एक ही PDF बनाना है सारे डॉक्यूमेंट को मिला के। सारा स्कैन करके एक PDF बनाने के बाद जो है उस PDF को, यहाँ देखिए सिंगल फाइल PDF आपको बनाना है एंड आप जो है उसको क्या कीजिएगा, इस पर मेल कर दीजिएगा, जिसका दिया है मेल ID IIMRFPO@gmail.com। तो ये 20 फरवरी से पहले आप मेल करना है, आपको क्या करना है, मेल करना है राइट। तो मेल कीजिएगा एंड उसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, जो बायोडाटा का फॉर्मेट है वो मैं दिखा रहा हूँ, उसको डाउनलोड कीजिएगा एंड देन आप उसको फिल करके ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट स्कैन करके सिंगल PDF बना के आपको मेल करना है। नंबर ऑफ जो लाइक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जिस प्रोफाइल की होगी उससे 5 times ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू सेक्शन के लिए राइट। एंड देन फिर जाके आपका ऑनलाइन इंटरव्यू एक ही राउंड है, सिर्फ वर्चुअल मीटिंग होगा, जूम मीटिंग, एंड देन फिर जाके आपको सिलेक्ट किया जाएगा राइट। तो यहाँ पे देखिए 20 फरवरी को 25 तारीख को इंटरव्यू है, 10 बजे के बाद से घर बैठे आपको ये इंटरव्यू अटेंड करना है। पहला प्रोजेक्ट, टोटल 6 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन प्रमोशन। तो ये जो है एक प्रोजेक्ट है जिसका यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कोड दिया गया है फ्रेंड्स राइट, जिसमें कि दो प्रोफाइल है। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट राइट। तो इसमें देखिए मोबिलाइजेशन एंड अकाउंटेंसी का वर्क है, 2 वैकेंसी है, और सीनियर रिसर्च फेलो इसमें 1 वैकेंसी है। प्रोफेशनल विथ एक्सपर्टीज इन एग्री मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिंग प्रोसेसिंग एंड एग्री बिजनेस इसमें राइट। तो ये 2 प्रोफाइल हैं, दोनों प्रोफाइल की जो है मेन जो है कोर जो है आपने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट यहाँ पे देखिए जो भी इसमें ग्रेजुएट होल्डर हैं लाइक BBA से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, MCOM किया है, या ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर साइंस राइट, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं राइट। और इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चले गया तो डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड एज ए फ्रेशर एज वेल। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यू विल गेट फर्स्ट चांस इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशर राइट। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ द लार्ज फार्मर ग्रुप, मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, ऑर्गेनाइजिंग विलेज लेवल मीटिंग। तो मतलब फार्मर के साथ आपने काम किया हो, एग्री से रिलेटेड आपने वर्क किया हो, अगर आपका इसका एक्सपीरियंस है डेफिनेटली यू कैन क्रैक द लाइक दिस इंटरव्यू राइट। अब दूसरा प्रोफाइल जो है सीनियर रिसर्च फेलो का, इसमें क्या है, अगर आपने मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर साइंस से किया है, या MBA इन एग्री बिजनेस में किया है, या मैनेजमेंट किया है, या PGDABM राइट पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री साइंस में किया है, हार्वेस्टिंग में किया है, तो आपको जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं राइट फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं
एक्सपीरियंस डजेंट मैटर, इस ऑलवेज लाइक मैटर कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। डिजायरेबल तो यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया है, बट राइट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सैलरी जो है 38,800 रुपीज़ जो है आपको पर मंथ मिलेगा, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो का है। फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट 15,000 रुपया सैलरी मिलेगा, राइट, जो ग्रेजुएशन इसमें मास्टर डिग्री मांगा है। उसके बाद देखिए 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट, ये जो है जो आपकी जॉब होगी ये पहले 1 ईयर के लिए होगी, एंड देन आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा देन फिर आपको जो है रिन्यू कर दिया जाएगा, राइट। सो आफ्टर 1 ईयर इट विल नॉट लाइक फिक्स कि आपका जॉब रहेगा ही या नहीं रहेगा, राइट, इट्स ऑल अबाउट द लाइक योर परफॉर्मेंस, आपने कैसा काम किया है, एंड सेकेंडरी थिंग आपका वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है या बंद हो गया है। जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू अगर रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट प्रोफाइल जो है, इसमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो उसका प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है, ये ऑयल सीड के लिए है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेम 1 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट MIS इसके लिए 1 वैकेंसी है। तो टेक्निकल असिस्टेंट जो है, जो कि एक्सपर्ट इन सोशल मोबिलाइजेशन एंड अकाउंटेंसी, इसमें देखिए ग्रेजुएट इन BBA MCOM ग्रेजुएशन, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसे कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में था टेक्निकल असिस्टेंट का। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में क्या है, MTech MCA इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, राइट। तो इसमें MCA या MTech मांगा है IT से या कंप्यूटर साइंस से, प्लस 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, लाइक IT रिलेटेड वर्क में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या MIS डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए इसमें डिजायरेबल, तो डिजायरेबल मतलब फर्स्ट प्रिफ्रेंस, तो फर्स्ट प्रिफ्रेंस ऑब्वियसली जो है जो भी एक्सपीरियंस होगा इन सेम फील्ड डेफिनेटली दे विल गेट फर्स्ट चांस लाइक फॉर दिस जॉब। तो 15,000 इसकी सैलरी है, इसकी सैलरी 20,000 होगी, राइट। 1 ईयर फर्स्ट लाइक इसका जो है बॉन्ड है, एंड देन फिर रिन्यू कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो अब देखिए थर्ड जो प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, थर्ड प्रोजेक्ट में देखिए आपका क्या है, यहाँ पे थर्ड प्रोजेक्ट में जो है ये प्रोजेक्ट कोड है, ये भी ऑयल सीड के लिए है। इनमें सीनियर रिसर्च फेलो की फर्स्ट प्रोफाइल है जिसमें कि 1 वैकेंसी है, राइट। इसमें जो है मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर साइंस MBA इन एग्री बिजनेस, राइट, जो सेम सीनियर रिसर्च फेलो के लिए जो फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए था उसी तरह यहाँ पे सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अकाउंटेंट के लिए मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, राइट, अगर आपने MCOM किया है प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट या एडमिन का है देन यू कैन अप्लाई, राइट। तो अकाउंट के लिए अच्छा खासा सैलरी होगा, यहाँ पे 20,000 सैलरी दिया गया है और सीनियर रिसर्च फेलो का 38,800 सैलरी दिया गया है। तो सब जो है 1 ईयर के लिए है एंड देन फिर रिन्यू कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए NFSM FPO जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जो है प्रोफाइल है जिसमें 40,000 सैलरी मिलेगा, राइट। प्रोजेक्ट जो है ये 2023 तक चलेगा 31 मार्च, तो इसमें 1 ईयर का ही होगा एंड देन फर्दर जो है रिन्यू नहीं हो सकता। इफ़ लाइक जब प्रोजेक्ट विल डिले डेफिनेटली योर लाइक प्रोफाइल डेफिनेटली जो है वो कंटिन्यू आगे के लिए कर दिया जाएगा आपकी प्रोफाइल को। अब यहाँ देखिए एसेंस है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर बिजनेस या MBA इन एग्री बिजनेस, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं उसके बाद इसमें प्रिफ्रेंस जो है मास्टर डिग्री होने के बावजूद भी अगर PhD होल्डर हैं और एक्सपीरियंस है, राइट, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान फॉर द FPOs, डेटा कलेक्शन एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग, इन सब का अगर आपके पास नॉलेज है आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली यू विल गेट फर्स्ट चांस फॉर गेटिंग दिस जॉब, राइट। तो इसमें जो है यहाँ पे फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। उसके बाद दूसरा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है NCDC ATARI FPO, राइट, सीनियर रिसर्च फेलो, राइट। तो इसमें 1 पोजीशन है, इसमें जो है ये एक्सटेंड हो सकता है 2023 तक है। इसमें भी मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस MBA इन मार्केटिंग मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म विद फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क के साथ। उसके बाद एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होगा विल हैव लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइट, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन बिजनेस प्लान, इन सब का जो है अगर आपके पास लाइक स्किल है डेटा कलेक्शन का एनालिसिस का रिपोर्ट राइटिंग का विलिंग टू ट्रेवल राइट थ्रू आउट द लाइक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एंड ऑल, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे विलेजर से बात करना है फार्मर से बात करना है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू लाइक ट्रेवल लाइक इन दिस एरिया इन दिस प्रोजेक्ट्स
सो डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो है सीनियर रिसर्च फेलो की होगी। उसके बाद इतना ही था इसमें, राइट। तो आप देखिए इसमें जो है आपको फॉर्म भरना है, राइट। 35 मैक्सिमम एज दिया गया है एट द डेट ऑफ इंटरव्यू टाइम, लाइक राइट इंटरव्यू टाइम तक आपका जो है, आपका जो है 20 तक अप्लाई कर दीजिएगा। जो मैं एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 दिखा रहा हूँ, जो फॉर्म आपको भरना है एज ए सी वी एज ए बायोडेटा, राइट। एससी एसटी कैंडिडेट विल गेट 5 ईयर एज रिलैक्सेशन एंड ओबीसी विल ऑल्सो गेट 3 ईयर एज रिलैक्सेशन, राइट। नॉर्मल 35 एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन जनरल केस, बट इफ़ यू विल लाइक फॉल इन द रिजर्वेशन सेक्शन डेफिनेटली यू विल गेट 5 एंड 3 ईयर एज रिलैक्सेशन इन एससी एसटी फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए 25th जो है फरवरी को जो है इंटरव्यू होगा 10 AM, जिसका लिंक आपको मेल करके, जब जो जैसे कि आपने देखा 2 वैकेंसी है 3 वैकेंसी है, सपोज कीजिए किसी की 2 वैकेंसी है तो 5 टाइम ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो मतलब 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीवी के आधार पे, आपने जो भेजा है जो मेल किया उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक लिंक भेजेगा एंड यू हैव टू बी द लाइक ऑन टाइम ऑन 25th फरवरी अराउंड 10 AM बिफोर 10 AM विथ ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड ऑल दिस थिंग, तैयार रहेगा सारे डॉक्यूमेंट को लेके, राइट। ये चीज़ें हो गई। आपको जो है 20 तक भर देना। ये देखिए ये फॉर्मेट दिया गया, नेक्स्ट वन अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक सीनियर रिसर्च फेलो के लिए या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए या फिर आप जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो जिस भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कोड एंड प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट प्रोफाइल नेम, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स नेम, अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे यू हैव टू फिल इट, राइट। मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यू हैव टू मेंशन ओवर हियर, राइट। एंड एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर एक्सपीरियंस है देन, अदरवाइज यू हैव टू लाइक लीव इट एज ए ब्लैंक, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल में आपके पास क्या है, एडिशनल एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है या कोई ट्रेनिंग करी है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, नंबर ऑफ अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, ऑफिशियल अप्रिसिएशन, लाइक आपको लाइक कुछ ऐसा मिला है अवार्ड, ये यू हैव टू मैंसन ओवर हेयर एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वट एवर यू आर मैंसनिंग ओवर हेयर यू हैव टू लाइक अटैच दैट डॉक्यूमेंट, लाइक इफ़ यू आर मैंसनिंग यू हैव रिसीव सच काइंड ऑफ लाइक any kind of awards, scholarships, so that you have to be attached that document like certificate, right, in the PDF what you will like mail to the like recruiter. So you have to like mention, you have to like a declaration form, you have to like mention over here your name, your first name, all, and you have to sign over here and then you have to mail it, right. सो फ्रेंड्स आई थिंक इट इज़ ऑल। सो आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे ये वीडियो, राइट, सो यू कैन लाइक इट एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स लाइक होम दिस लाइक वैकेंसी इज रिक्वायर्ड और दिस जॉब इज रिक्वायर्ड। सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग अ रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट जॉब अपडेट ऑन योर मोबाइल फोन। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप योर इंटरव्यू एंड यू डेफिनेटली विल गेट सेलेक्टेड, योर इंटरव्यू विल गोना फंटास्टिक। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू विल गेट एनी इशूज, एनी नीड सजेशंस, सो राइट मी ऑन फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब एंड टेलीग्राम एज वेल। ऑल दिस लाइक लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।